इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सिद्धायतन परिवार, सिद्धायतन मंदिर परिसर, श्री समीर शिखरजी रोड, मधुबन, पोस्ट शिखरजी, जिला गिरढ़ी, पिन कोड 825329, झारखंड। हुआ है सफल आज निर्भव हमारा, हुआ है सफल आज निर्भव हमारा, मिला है हमें गुरुदेव सहारा। हुआ है सफल आज निर्भव हमारा, मिला है हमें गुरुवर का सहारा। है बीत रागी ये मुद्रा तुम्हारी, है बीत रागी ये करुणा तुम्हारी, तुम्हारे जैसा दयालु कहाँ। बड़ी मुश्किलों से मिली है हमें आज आराधना, बड़ी मुश्किलों से मिली है हमें आज आराधना, आज आराधना, आज आराधना। बोलिए परम पूज्य अंतर मना आचार्य श्री एक बार प्रसन्न सागर। स्वधर्मेंद्र, स्वधर्मेंद्र पधारे, समय ज्यादा हो चुका है, संतोष जी, ललिता जी, सेठी शीघ्र ही पूजा मंडप में पधारें। तो तुम देर ना करना आने में, और ना करना दर्श दिखाने में, और भक्तों ने तुम्हें पुकारा है भक्ति के एक बहाने से। तो गीत गाता रहूं और गुनगुनाता रहूं, गीत गाता रहूं और गुनगुनाता रहूं, मेरी नैया है तेरे हवाले, लाएगी 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 भक्ति हमारे रंग लाएगी, लाएगी 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 भक्ति हमारे रंग लाएगी, हो छाएगी 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 कीर्ति चहु दिश छाएगी। दिखाने में तुम देर ना करना आने में, ना
करना दर्शित खाने में, भक्तों ने तुम्हें पुकारा है भक्ति के एक बहाने से। गीत गाता रहूं गुनगुनाता रहूं, गीत गाता रहूं गुनगुनाता रहूं, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाएगी 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 भक्ति हवार रंग लाएगी, छाएगी 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 कीर्ति चबूतिश छाएगी। जितने भी मुख्य पात्र हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, शीघ्र ही मंच पे आए, आप लोगों की प्रतीक्षा हो रही है। पंडित जी साहब हमारे विराजमान हैं, परम आदरणीय प्रदीप मधुर जी विराजमान हैं, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जितने भी मुख्य पात्र बने हुए हैं, शीघ्र ही मंच पे आएंगे। यहां पर अभिषेक की क्रियाएं प्रारंभ होने वाली कुछ ही क्षणों पश्चात। हम भक्त तेरे चरणों में खड़े अपना सब अर्पण करने को, हम भक्त तेरे चरणों में खड़े अपना सब अर्पण करने को, बस एक नजर तू देख जरा हम देख रहे तेरे चरणों में। मेरी क्या है खता मुझे ये तो बता, मेरी क्या है खता मुझे ये तो बता, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाएगी 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 भक्ति हमारे रंग लाएगी, छाएगी 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 कीर्ति चबूतिश छाएगी। हेलो इंद्र लोग, आप लोग यहाँ अपने स्थान पर जहाँ बैठना है वहां पहुंच जाएं। अभी सकलीकरण होगा, आपको वहीं पर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ हम शुद्धि करेंगे ना, फिर आएंगे यहाँ पर अभिषेक करने के लिए। आइए बैठो अपने स्थान पर, बैठो जिसको जहां बताया गया। मैंने बताया कुबेर यहाँ पर आ गया, स्वधर्मेंद्र कुबेर, यज्ञ नायक ईशान, सनत कुमार महेंद्र माता पिता, और यहाँ पर जो भी दातार हैं, जैसे मंडप उद्घाटन करता है, ध्वजारोहण करता है, विधि नायक प्रतिमाओं के दातार हैं, और भी प्रतिमाओं के दातार हैं, राजा श्रेयांश हैं, जो भी है सब यहाँ पर बैठेंगे। क्रम क्रम से बैठते जाएं, और बाकी जो सामान्य इंद्र हैं स्वक्ष उतार करके आओ बाहर, और अभी इंद्रों के बीच में नहीं घुसना तुम, वहीं से लेना फोटो। और यहाँ पर जो सामान्य इंद्र हैं वो दोनों साइड में सामान्य इंद्र बैठेंगे, लेकिन यहाँ खड़े मत हो, वहां बैठना ही पड़ेगा। खड़े मत हो, यहाँ पर बैठो, अभी सकलीकरण करेंगे, यहीं पर आना पड़ेगा आपको, बार बार मत कहलवाओ, जोड़े के साथ में बैठो अभी। हाँ चेंज करके आइए, हाँ करके आइए। सची सची यहाँ पर आइए, सची सची यहाँ पर पधारें। स्वधर्मेंद्र कहाँ गए,
घूम गए क्या, कोई विमान अटक गया कहीं? सची इंद्राणी यहाँ पर आइए, यहाँ आइए। कहाँ गए? प्रसन्न सागर की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। हो प्रसन्न सागर की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। मेरे गुरु की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। हो प्रसन्न सागर की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। पिछी कमंडल जिनकी निशानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। मेरे गुरु की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। स्वर्णिम दिन है ये आया, प्रसन्न सागर का परचम लहराया। संयम का स्वर्णिम दिन है ये आया, प्रसन्न सागर का परचम लहराया। संयम भी जिंदगी करे अगवानी,
मिश्री से मीठी है इनकी वाणी, मेरे गुरु की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी है जिनकी वाणी। जितने भी मुख्य पात्र हैं सोदर महेंद्र महाराज तक मेरी आवाज जा रही हूँ, शीघ्र ही मंच पे आए। जितने भी मुख्य इंद्र हैं शीघ्र ही मंच पे आए। अभिषेक क्रिया कुछ ही क्षणों पश्चात यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। परम आदरणीय परम श्रद्धे आदरणीय पंडित जी हमारे समक्ष विराजमान हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो शीघ्र ही मंच पे आए, समय का अभाव है। हुई है ये बोलिए परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय, भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की जय। मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, हो मेरे को नैनों को बस गुरु का दर्श चाहिए, हो मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। हम हैं तेरे दास चरणों के पास हम रहेंगे जिंदगी भर, हम हैं तेरे दास चरणों के पास हम रहेंगे जिंदगी भर, सारे संसार का सार तेरे तुम्हीं ने पाया। मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, हो मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए।
वाणी तेरी हो, अंतस मन को पावन करती है, करुणा तेरी हो, अंतस मन को पावन करती है। तुमसा यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं दूजा नहीं, सारे संसार का सार मैंने तुम्ही में पाया, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। बोलिए परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। हेलो हेलो हेलो, सभी को आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर प्रसन्न सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जहाँ कहीं भी सोधर्म इंद्र है सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी मंच पर आए और शांति धारा शुरू हो रही है, जल्दी से जल्दी मंच पर आए, जहाँ कभी आवाज जा रही है सोधर्म इंद्र के पास। अरे लो यहाँ, सोधर्मिंद पधार गए क्या? ये आत्म हमारी है बीत रागी दिमा, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धा च सिद्धेश्वर आचार्य जन शासनो नदिगर पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवर रत्न त्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम सम्यक् दर्शन बोधोत्तम रत्न त्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिना जनपत्तित्व पूर्ग प्रदा धर्म सुक्तुदा चैतम किलम चैतालयम श्रालयम चतुर्विधं चतुर्द्वय कुर्वन्तु नो मंगलम नावे आदिजनादि पाश्रिगुण ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर पूते चक्रण द्वादश हे विष्णु पूते विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तर विंशति त्रैकाले पूते शाश्वत पुरुषा कुर्वन्तु नो मंगलम योगर्भावतरोसो भगवतांजन महाभिषेकोत्सव योजातो परम निष्क्रमण योग केवल ज्ञान भाग
यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गी कल्याणानुजतानिभृतं कुर्वन्तु नो मंगलम कैलासैर्षभस्सन्निधिमै वीरसिंहवापुरे चंपायावसुभुजसज्जनपदे सम्मेद शैलैरतां शेषाणामपि चोर्षयंशिखरेणेमीश्वरस्य निर्वाणामनया प्रसिद्धिवा कुर्वन्तु नो मंगलम इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकदं सौभाग्यसंपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु तिष्ठतं करणामय ऋष्णुवन्ति पुरन्ते सुने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराश्रिते पायता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलम भगवान अरन मंगलम भगवान जन मंगलम प्रथमाचार्य मंगलम शुभेश्वर मंगलम श्रलोक्यशुत्तम शरण जिन नत्वाय मृता पूजा क्रमस्य विधि पूर्वकम। जिसको जो भी बात करना है वो कर लो, यदि रुका हो तो और रुक सकता हो, और अपने अपनी सीट पर बैठना है। अभी संध्या वंदन सकलीकरण यज्ञ दीक्षा होगी, अभिषेक होगा, पूजा होगी, जाप अनुष्ठान होगा, मंगल कलश की स्थापना होगी। यह सुबह के सत्र का कार्यक्रम है, आप अपने अपने जगह पे बैठो। जहां जिसको स्थान दिया गया है कृपया करके अपने स्थान पर बैठें, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पिछले अभी कुछ देर पहले भी बोला आप बैठो, जहां पर आपको बैठना है वहीं बैठना है, क्योंकि सकलीकरण अंकन्या शादी क्रिया यहीं पर होगी, यहां खड़े खड़े नहीं होगी। स्वतरविंद यहां पर बैठिए, माता पिता को बता दिया, माता पिता हैं यज्ञ नायक हैं ईशान सनत कुमार महेंद्र, यहां इस लाइन में आएंगे, बाकी जो दातार हैं वो वहां पर पीछे में तीसरे नंबर की टेबल पर बैठेंगे। चलिए ये इसी लाइन में बैठ जाओ, हाँ बैठो। चलिए अब बातचीत नहीं करें, अब इंतजार ज्यादा हो गया है, बातचीत आप लोग करेंगे तो फिर हम लोग रुक जाएंगे आधे घंटे के लिए। देखो जबरदस्ती नहीं है, जिसको नहीं करना जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, खड़े नहीं रहना बीच में। बैठो इंद्र महाराज, आप साइड में बैठ जाओ, आपको नहीं विधि करनी है तो। अरे इस पे बैठ जाओ ना, बैठो। तो पंडित जी बांधेंगे, अभी लेट आए आप। नमो रंतानम नमो सिद्धानम नमो हिर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सवसाउणम। अपनी प्लेट ले लीजिए, यदि उसमें कुछ सामान है तो दूसरी थाली में रख दो। पंडित जी जल यंत्र लाओ। अखिलेश पंडित, इस प्लेट में देखिए, यहां देखते जाइए, इस सामने से दूर हो जाओ, आ जाओ अरुण, यहां आ जाओ बाजून, यहां देखते जाइए। प्लेट में झमठम लिखना है, झ उसके ऊपर बिंदी और ठ उसके ऊपर बिंदी लिखिए, वो यंत्र लिखा हुआ है आपके पास। बोलिए अंतर्मना आचार्य से 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के झमठम स्वरार उत्तम तोय मंडल दो सप्तम सोय स्नेहदान स्थान मातरी तिरुंकता कुतरान जरने रानु मंत्राण स्थानम का चली गई जल के लिए। प्लेट में 2 चम्मच जल डालना है मंत्र के साथ, अपने चौकी पर रख दो, दोनों का हाथ पहुंचे इससे जगह, 2 चम्मच जल डालना है, डालिए सभी जल। बीच में मत बोलो पंडित जी, मत बोलो। ओम राम रेम रोम गंगा सिंधवादि त्रिभुवन जल शुद्धिम करो मे स्वाहा। यह बैठ के करने की क्रिया है, लेकिन आपको दिखे इसलिए मैं खड़ा हूं। अभी यहां पर हम जल स्नान करके आए, अभी मंत्र स्नान करना है, इसलिए अपने दोनों हाथ ऐसे मिलाइए, उंगली के अंदर उंगली ऐसे फिसाइए,
पहली तर्जनी उंगली खोल करके ऊपर कीजिए और उसके ऊपर दोनों अंगूठे इस प्रकार, इसको अंकुश मुद्रा बोलते हैं। ये अंकुश मुद्रा से मंत्र स्नान करना है, 5 बार प्लेट के जलमंडल का जल है वो, उसमें डुबाना मस्तक पर, दोनों कंधों पर और दोनों जंघाओं पर। ओम अमृतम तुष्णीयमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम लोम लोम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम जम झिम क्षिम अमृत प्रोक्षणम करोमि स्वाहा। दोनों हाथ की 4-4 उंगली ऐसे पास पास में, अंगूठा बीच में, 8 उंगली प्लेट के जल में डुबाना और वस्त्रों की शुद्धि। दोनों हाथ की 4-4 उंगली से भूमि शुद्धि। आसन शुद्धि। आसनम निक्षिपामि स्वाहा। दोनों घुटने पे हाथ रखना। आसने उपवेशनम करोमिति स्वाहा। हाथ जोड़ना। अथ मम समस्त पाप कर्म क्षयार्थ आयु आरोग्य ऐश्वर्य समृद्धत्य पौराणिक संध्या वंदनम करिष्यामि। सुबह होने वाले संध्या वंदन का मैंने संकल्प किया है, मेरे पापों का नाश हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। जटान तो मिक्तो कलापम से तो सोम दलखित्वा भूमध्ये स्नानादिकं चरेत्। यहाँ पर दोनों हाथ ऐसे उंगली के अंदर उंगली ऐसे फंसाना है, अंगूठे के पास अंगूठा, पहली तर्जनी उंगली खोल के पीछे ले जाना, बड़ी उंगली को मिलाना, लास्ट कनिष्ठ उंगली खोल के आगे लेना, 4 नंबर की उंगली को मिलाना। इस प्रकार इसे सुरभि मुद्रा बोलते। जटान तुम्हें तुझ कलाओ तुम से तो सो मध्य स्नानादिकम चरेत। यह सुरभि मुद्रा प्लेट के जलमंडल के जल को दिखाना है। ओम राम रीम रूम रोम रास्यावसा गंगा सिंधवादी नदी तीर्थ जलम बहुतु जल पवित्रीकरणम करोमिति स्वाहा। अभी यहाँ पर शुद्धि के लिए आचमन करना है, तो आचमन के लिए अपना राइट हैंड पहली उंगली मोड़ के अंगूठे के नीचे, अंगूठा मध्यम के मध्य में, चौथी पांचवी उंगली खुली, ये शंख बन जाता है ऐसा। और अपने बाएं हाथ से जल लेना, लोटी से जल लेना, चम्मच हो तो आधा चम्मच जल लेना, चम्मच नहीं है तो लोटी से आधा चम्मच जल इस शंख मुद्रा में डालना। बिल्कुल सीधे बैठना, पीठ की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और मुख बंद रहेगा। और ये उड़द का दाना डूबे इतना जल, आधा चम्मच जल इस प्रकार लेकर के अपने नाक के अग्र भाग पर छोड़ना। ओम ह्रीम लाम पाप झिम क्षिम सम सौ बहता हुआ नाभि तक आएगा, मुंह बंद रहेगा। 2 बार और लेना है ऐसा जल। ओम ह्रीम लाम पाप झिम क्षिम सम स्वाहा। और 3री बार ओम ह्रीम लाम पाप झिम क्षिम सम स्वाहा। 4 उंगली बंद करना ऐसी और अंगूठे से पोंछना, झ्वीम श्वीम झ्वीम श्वीम। उसके बाद अंगूठा लास्ट उंगली पे रखना और तीनों उंगली से होठों की शुद्धि, श्वीम झ्वीम श्वीम झ्वीम। चौथी अनामिका और अंगूठा दोनों मिला के प्लेट में डुबाना, वम मम दोनों आंखों को लगाना, वम मम। पहली उंगली अंगूठा प्लेट में दुबाना, दोनों नाक को लगाना, हम सम। लास्ट उंगली अंगूठा प्लेट में दुबाना, दोनों कान को लगाना, हम सम। वम मम हम सम तम पम। फिर उसके बाद 4 उंगली बन करके अंगूठे से जल लगाना, नाभि को लगाना, द्राम। सीने पे हाथ रखना, द्रीम। सीधी भुजा हम, उल्टी भुजा स, सिर के ऊपर स्वाहा। ये 12 अंगों का स्पर्श किया, इसको बोलते आचमन। जब हमको ऐसी शंका हुई कि अशुद्धि हो गई, कुछ हो गया, तो ये आचमन कर लेना। अभिषेक के पहले, पूजन के पहले, जाप के पहले, हवन के पहले, कोई भी क्रिया विधि के पहले, भोजन के पहले, ऐसे 30 बार गृहस्थों को आचमन करने का शास्त्र में लिखा है। आचमन के बाद हम यहां आगे बढ़ते हैं प्राणायाम करने के लिए।
अंगूठे से सीधे हाथ के अंगूठे से नाक बंद करना, श्वास खींचते हुए प्रारंभ कीजिए, क्योंकि घंटों का विषय केवल आधे मिनट में करूंगा। श्वास खींचिए, नमो रंताणम, अनामिका उंगली से दोनों नाक बंद, श्वास मस्तक तक, मस्तक से नाभि तक लाना, श्वास अंगूठा छोड़ के श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम, पुनः अंगूठा दबाना, अनामिका खुले श्वास लेते हुए नमो आयरियाणम का उच्चारण, दोनों नाक बंद, श्वास कुंभक करके नाभि से ऊपर वायु छोड़ते हुए नमो वज्रायणम, पुनः श्वास लेते हुए नमो लोहे, श्वास कुंभक करके रेचक सर में सव सा उड़ाऊ। इस प्रकार एक बार करना है, और श्वास लेते हुए नमो हरियंताणम, कुंभक करके छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम, लेते हुए नमो आयरियाणम, श्वास कुंभक करके छोड़ते हुए नमो वज्रायणम, श्वास लेते हुए नमो लोहे, श्वास छोड़ते हुए सव सावणम। इस प्रकार 5 मिनट प्रतिदिन यहाँ पर प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कोई भी पूजा में विघ्न और रोगों की उत्पत्ति नहीं होती है। अभी यहाँ पर दिगंजलि विधि के लिए पहली उंगली मोड़ के अंगूठे के नीचे, अंगूठा मध्यमा के मध्य में, चौथी पांचवी उंगली खुली, शंख मुद्रा पहले बनाई वैसी, उड़द का दाना डूबा इतना जल लेना है और चारों तरफ ओम झम वम हो स्वा दिगंजलिम करो मिति इसी प्रकार, और 3 बार जलार्घ देना है, जल लेकर के प्लेट में छोड़ना, आधा चम्मच जल, ओम ह्रीम रमा स्यौसा नमा स्वाहा, स्वा बोलना, ओम ह्रीम रमा स्यौसा नमा, ओम ह्रीम रमा स्यौसा नमा। अभी 15 बार तर्पण होना है, इसी प्रकार जल आधा चम्मच लेना, प्लेट में छोड़ना और स्वाहा बोलना, ओम राम हृदय स्वाहा, ओम ह्रीम सिद्धेभ्यो नमा, ओम रम सूर्यभ्यो नमा, ओम रम पाठकेभ्यो नमा, ओम रा सुर साधुभ्यो नमा, ओम जिन धर्मेभ्यो नमा, ओम रिंज नागभ्यो नमा, ओम जिन चैत्यभ्यो नमा, ओम जिन चैतालभ्यो नमा, ओम ऋष्मय दर्शनाय नमा, ओम ऋष्मय ज्ञानाय नमा, ओम ऋष्मय चरित्राय नमा, ओम ह्रीम अस्मद गुरुभ्यो नमा, ओम ऋष्मय तपेभ्यो नमा, ओम ह्रीम अस्मद गुरुभ्यो नमा, ओम अस्मद विद्या गुरुभ्यो नमः स्वाहा। इति पंचदश तर्पणानि अष्टोत्तर सर्जक जाप्यम। यहाँ पर 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करने के लिए कहा है, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। अभी पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा है, ये सबको याद कर लेना होगा। पूर्व दिशा में 3 आवर्त इस प्रकार और 1 शिरोन्नति लीजिए। प्राग्वी दिग्गंतरत केवली जन सिद्ध साधुगण देवा त्रि समुदाय शास्त्रानम वंदे। पूर्व में जितने केवली सिद्ध साधु गणधर मुनिगण ऋषिगण है उनको नमस्कार। इस प्रकार दक्षिण दिग्गंतरत केवली जन सिद्ध साधुगण देवा त्रि समुदाय शास्त्रानम वंदे। पश्चिम में, पश्चिम दिग्गतरत केवली जिन सिद्ध साधुगण देवा त्रि समुदाय शास्त्रानम वंदे। उत्तर में, उत्तर दिग्गतरत केवली जिन सिद्ध साधुगण देवा त्रि समुदाय शास्त्रानम वंदे। 4 नंबर की अनामिका उंगली सीधे हाथ की कटोरी में से चंदन लेना है, चंदन, और लेने के बाद बाएं हाथ की हथेली पे रखना है। झम टम सर्वस्तम पम जदि कोण यो उद्वास पंचत पद्मयापुरम पटराजगृहम कंठे धरे। एक गंध यंत्र की स्थापना हुई है, क्योंकि कटोरी का चंदन झूठा नहीं होना चाहिए, इसलिए यह हथेली पे ले लिया। अभी यहां से अपने को तिलक विधि करना है। ओम राम रीम रोम रोम राणम रंताणम रक्ष रक्ष स्वा ललाटे। पुरुषों को लंबा तिलक मानस स्तंभ के आकार का, महिलाओं को गोल तिलक धर्म चक्र के आकार का, और लेना ओम राम रीम रोम रोम रा नमो सिद्धाणम चक्षुस्वा हृदय, हृदय के ऊपर ओम राम रीम रोम रोम रा नमो ऐराणम रक्षक्षुस्वा सीधी भुजा। ओम राम रीम रोम रोम रा नमो भुजाणम चक्षुस्वा वाम भुजा। ओम राम रीम रोम रोम रा नमो लोये सवसावणम रक्षक्षुस्वा कंठे।
दोनों हाथ कान के कर्ण पटल और दोनों हाथ की नाड़ियां इस प्रकार, इस प्रकार पंच तिलक, नव तिलक और अष्टद्रव्य की थाली हमारे पास है और हम मंदिर निकले हैं। संध्या वंदन विधि यह संपन्न हुई। यह विधि हर पूजक को अपने घर पे ऐसा करके अष्टद्रव्य की थाली लेकर के आना होता है और जैसे ही हम आते हैं स्नानानुष्ठान दूतांतरियोत्तरीय कुत्पम उद्घाटित सिर के पाठम प्राप्तम प्रसाद संस्कार विराजमान संसम जिनाराधनाय मंदिर के पहले दरवाजे में हमने प्रवेश किया और वहां पर सबसे पहले हम क्या करते, पैर धोते, दोनों हाथ की चार चार उंगली प्लेट में डुबाना और अपने पैरों के ऊपर इति पाद प्रक्षालनम श्री विमानम। तो मंदिर के मुख्य द्वार शिखर कलश ध्वजाओं के दर्शन होते हैं। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी भव्यात्मना संभूरी हेतु दुग्धाभिफेन धवलोज्वल कुटकुटि नद्वत् प्रकर राज विराजमानम दृष्टम धाम रसान समता दृष्टम नदीनाम पदम दृष्टम सिद्ध सस्तु सुचिंतामणे किम दृष्टे ऋतुमानुषंगिक फलेरे वीरमयाद्य ध्रुवम दृष्टम मुक्ति विवाह मंगल गुरे दृष्टे जिन श्री गुरे जय तेसुर नरेन्द्र सुधा निर्जरिण्य कुलधरणि द्रोयम जैन चित्याभिराम प्रफुल नौकाग्र प्रवाल प्रवर्ष कर सुमत केतन सन्निकेत श्रियमतम जगुष्ताम सुमोत्तम जिनेश्वर प्रतिकृति पुण्य निकेतम कर्णमिदम पुनातुना इति त्रिभुवन गुरु भवनम। मंदिर की हम तीन प्रदक्षिणा दे रहे, त्रिभुवन गुरु भवनम त्रिभुतो जैन के हर मंत्र विश्राम्यम और मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे। ओम रीम ह्यू ह्यू निश्चय 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 मंदिरम प्रवेशयामि अपहस्ति पंकारम पाद पद्मार्धनुता। मंदिर में प्रवेश करने के बाद चार उंगली से जल मंडल का जल लेना और अपने हाथ ओम अश्वजरस्वा हस्त प्रक्षालनम करोमिति स्वाहा। यहाँ पर ईर्यापद शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। पड़िकमावंते ईर्यावराण गुप्त निगमणे ठाणे गमणे चकुमणे उच्चार प्रसन्न केल सिंगान पट्टाई जय जावा इंदिवा बेहिंदवा तेहिंदवा चूणिदा पंच दालोणिदा तस्तरगण तस्पाचितगम तस्वुखम जानतम करेमी तावकम पावकम दुच्चरम वसरामी। नौ बार नमोकार मंत्र प्रतिक्रमण प्रायश्चित के लिए। इच्छा मंते आलोयणा पोत्तर दक्षिण पश्चिम चविदासु डौडो चुराड़ी पमा दसुण पान गुरु सत्तान वैदेशी उगादो कुदोवा कार्य दोवा समणमो तस्सम इच्छामि दुखड़म। इस प्रकार प्रतिक्रमण प्रायश्चित पूर्ण हुआ। अभी सकलीकरण प्रारभ्य थे। दृष्टे मिष्टे सुष्टे समिष्टे मौन मार्कम दधे दोनों हाथ की चार चार उंगली से चारों तरफ भूमि शुद्धि। और हाथ जोड़ते हुए मौन स्थिताय मौन व्रतम गृणीयात। अभी हमका सबका मौन व्रत है। जब तक पूजा के अनुष्ठान चलता है हम दूसरी बात नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर पात्रों की शुद्धि के लिए दोनों हाथ की चार चार उंगली से प्लेट के जल पात्र शुद्धि, जो आपके सामग्री मुकुट माला जो रखी है उसके ऊपर थाली के ऊपर ओम राम ओम राम रास्यवसा पात्र शुद्धिम करोमिति स्वाहा। अभी अष्टद्रव्य पूजन द्रव्य का शोधन करना, देखो उसमें कीड़े तो नहीं कुछ तो नहीं, शोधन करना, इसलिए मंत्र है ओम ह्रीम शुद्ध पात्र पूजन द्रव्य शोधयामि स्वाहा। अभी यहाँ पर पूजन द्रव्य का शोधन किया। आचार्य कहते सकलीकरण के लिए हमने जल स्नान किया, मंत्र स्नान किया। आचार्य कहते अमृत स्नान करो, तो अमृत कहां से लाएंगे, तो मंत्रों से लाएंगे अमृत। तो अमृत बीजाक्षरों का न्यास करना है। तीनों उंगली पे अंगूठा रखना, तर्जनी उंगली इस प्रकार, और यह बीजाक्षर उंगली से न्यास करते हुए उच्चारण करते हुए तो प्लेट में डुबाना और दूसरे हाथ की छोटी उंगली पर ऐसे झम वम व प और ह अंगूठे पे, इसी प्रकार दूसरे हाथ पर
जम वम व प ह, ये अमृत बीज है। जम वम व प ह, जम वम व प ह, ये अमृत बीज। दोनों हाथ की दसों उंगली पर लिखे है, ये दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे पास में। मैं आपको बता रहा, धीरे धीरे अभ्यास होता है। यदि आप समय देंगे तो प्रतिदिन यह विधि आगम में लिखा है, यदि नहीं समय देंगे तो आप ऐसे ही पानी छाट लेते वैसा। तो यह ऐसे उल्टे चिपकाना, उल्टे चिपकाने के बाद उंगली के अंदर उंगली फंसाना, फंसाने के बाद ये अंगूठा जो है छोटी उंगली को अग्रभाग पे दबाना, फिर पहली जो तर्जनी उंगली है उसको खड़ी करना और सबसे बड़ी उंगली को दबाना। अभी दो उंगली बच गई, चार नंबर वाली अनामिका, उसको पास पास में लेना और दोनों हाथ ऐसे सीधे, बैठना भी सीधे, सारा एक्यूप्रेशर होके सारे रोग निकल जाते हैं। और इसे बोलते पंच गुरु मुद्रा। यह पंच गुरु मुद्रा जलमंडल के जल में प्लेट में डुबाना, डुबाने के बाद ये मस्तक पर अमृत स्नान, ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतोष्णि अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम लूम लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम झम झिम क्षिम हम सम स्वाहा। ये अमृत स्नान हुआ। आचार्य कहते हैं ये बाह्य शुद्धि हुई, सकलीकरण में अंतरंग शुद्धि के लिए ध्यान करना है। चार प्रकार का ध्यान, इसमें एक धर्म ध्यान, उसमें चार प्रकार संस्थान विजय धर्म ध्यान, उसमें दस प्रकार पिंडस्थ ध्यान, और पिंडस्थ ध्यान में पांच प्रकार पंच धारणा। वो घंटों का विषय, केवल चार मिनट में पूरा करेंगे पंच धारणा पिंडस्थ ध्यान की। तो लीजिए, हाथ के ऊपर हाथ रखे और आंख खुली भी रख सकते बंद भी रख सकते, जिसका जैसा उपयोग हो, लेकिन जो मैं पंच धारणा करा रहा हूं वैसा चिंतन करना है। चिंतन करें, मैं एक सिंहासन पर बैठा हूं, मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं, पृथ्वी मंडल। यह पहली धारणा, पृथ्वी धारणा, समस्त पृथ्वी को मैंने अकेले ने धारण की है, और उसके ऊपर मैं सुखासन लगा के, पद्मासन लगा के या खड़गासन, जो भी आसन है, मैं विराजमान हूं। मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं है। स्वस्थता कुरुक्षम शिखार उत्तम अग्निमंडल ओंकारम गर्भरक्तामासतम थामि सिद्धांतम मगमृपाशाचे सर्वांग स्वयधूमादेर नमस्तुता। मेरे हृदय में त्रिकोण है, दूसरी अग्नि धारणा की शुरुआत कर रहा। त्रिकोण के बीच में ओम रीम हरम लिखा है, त्रिकोण के तीनों भुजाओं पर रम 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 लिखा है, त्रिकोण के तीनों कोने में स्वस्तिक है। यहां पर अग्नि प्रज्वलित हो रही, ओम 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 रम 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 अग्नि प्रज्वालयामी हुम फट घे दुखम देद हुम फट घे स्वाहा औदारिक देदनम ध्यानम। मेरा औदारिक शरीर जल रहा ऐसा चिंतन कीजिए, अग्नि धारणा है यह। अभी नाभि में कमल बनाते, नाभिष्ट दत्पत्र रुद्रष्ट कर्मण वयम विपु, नाभि में कमल है, कमल की कर्णिका में अरम शब्द लिखा है, उसकी 16 पाखुड़ी है, हर पाखुड़ी के ऊपर एक एक स्वर है, अ आ इ ई उ उ रु रु लुर लु ए ऐ ओ औ अम अहा। इस कमल की कर्णिका से अग्नि की शिखा निकल करके मेरे कारमान शरीर को जला रही है। ओम रीम जिन प्रभुजनाय मम कर्म भस्म विधुनम कुरकुरु स्वाहा। मेरे कर्म रूपी ईंधन जल रहे ऐसा चिंतन करे। स्वायांगत गोमूत्रिका कृते कृष्णा जातु प्रेरत प्रेरत भस्म वायु भी। तीसरी वायु धारणा, हवा के झोंके से अग्नि टेढ़ी टेढ़ी, जिस प्रकार गाय पिशाब करती है ऐसी टेढ़ी टेढ़ी अग्नि की शिखा ऊपर उठ रही और उसके ऊपर काला काला धुआं आकाश मंडल में पहुंच रहा। ऐसी वायु धारणा में आकाश मंडल को देखे और मेरा शरीर जो जल रहा, कर्म रूपी ईंधन जल रहे, वो पूरी शिखाए ऊपर उठ रही है ऐसा चिंतन करे।
व्योम व्यापी घना सारे समासम केन्द्रासमो निंदुवत। चौथी धारणा जल धारणा, मेघ कुमारों को ठंडक लगी वायु की लहरों से और उन्होंने जल वृष्टि प्रारंभ कर दी। अमृत प्लावन में अमृत में देह कर्णम, मानो मेरे ऊपर अमृत का सिंचन हुआ ऐसा चिंतन करे। और जल धारणा में अग्नि बुझ चुकी है, अभी जो कर्मों की राख हो रही थी, कर्म ईंधन जल रहे थे, वह धुल करके अलग हो रहे, सारे अग्नि बुझ गई और सारे कर्म ईंधन जल के भस्म हो गए। इसलिए मैं मेरे आत्मस्वरूप में आ चुका हूं, मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध गैट। पांचवी धारणा आत्मचिंतन आत्मधारणा, शुद्ध बुद्ध ज्ञायक टंकोत्कीर्ण स्वभाव को प्राप्त हो रही, सारे कर्म ईंधन अलग हो चुके। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। यह संक्षिप्त में सकलीकरण के लिए पंच धारणा पिंडस्थ ध्यान इसको बोलते हैं, हमने किया तो अंतरंग शुद्धि हुई। अभी आपको जिन यज्ञ करना है, कौन सा? पंच कल्याणक महोत्सव एक, विश्व शांति महोत्सव दो, मंदिर की प्रतिष्ठा तीन, और जिन धर्म की प्रभावना के लिए, तो इसको बोलते जिन यज्ञ। तो जिन यज्ञ करने के लिए हमारे अंग मजबूत होने चाहिए, इसलिए अंगन्यास। तो अंगन्यास करने के लिए हम तीनों उंगली बंद करें, उस पर अंगूठा रखे, तर्जनी उंगली ऐसी, और जल मंडल का जल प्लेट से लेंगे और दूसरे हाथ के एक एक उंगली पर नमोकार मंत्र का न्यास। ओम राम नवरंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा, दूसरी उंगली ओम ऋणो सिद्धाणम क्षिक्ष स्वाहा, ओम ऋण मायराणम क्षिक्ष स्वाहा, ओम ऋण मुझायाणम क्षिक्ष स्वाहा, ओम राणुमलो सौसाणु क्षिक्ष स्वाहा। अभी दूसरे हाथ पर इसी प्रकार ओम राम नवरंताणम क्षिक्ष स्वाहा, ओम ऋणो सिद्धाणम क्षिक्ष स्वाहा, ओम ऋण मायराणम क्षिक्ष स्वाहा, ओम ऋण मुझायाणम क्षिक्ष स्वाहा, ओम राणुमलोय सवसाउणम रक्षक्ष स्वाहा। दोनों हाथ पे नमोकार मंत्र न्यास लिखा हुआ है। ओम रीम ह्रम वम मम हम सम तम पम अस्यावसा हस्त संगठनम करोमिति स्वाहा। नारियल जैसी मुद्रा और दोनों अंगूठे ऐसे रखना, अंगूठा का जो सेंटर का भाग है उससे अंगों का टच करना है। ओम राम नमरंताणम स्वाहा ललाटे, ऐसे ललाट को बिल्कुल ऐसे दोनों हाथ सीधे होने चाहिए 90 डिग्री में ललाटे। ओम ऋण सिद्धाणम सिर मध्य बिल्कुल 90 डिग्री में हाथ। ओम रूम नमो ऐराणम सीधे कान के ऊपर टच। ओम रूम उज्जायाणम पीछे टच, चोटी है वहां पर। ओम राणु सवसावणम लेफ्ट कान के ऊपर ऐसा टच। ओम राम नवरंताणम ललाटे। ओम ऋण सिद्धाणम हृदय हृदय ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री में कंधे। ओम रूम नमो ऐराणम सीधे कान के ऊपर। ओम झाणम पीछे चोटी के ऊपर। ओम राणु सौ सावणम उल्टे कान के ऊपर। इति अंगन्यास करूं इति स्वाहा। कई प्रकार के अंगन्यास है, उसमें संक्षिप्त अंगन्यास हमने किया है। अभी यह दिशा बंधन, दिशा बंधन के लिए लेफ्ट हैंड बाया हाथ तीन उंगली बंद करना, अंगूठा उस पर रखना और तर्जनी उंगली जितनी लंबी हो सके उतनी, इसके ऊपर जलमंडल के जल से अथवा केसर से अथवा लौंग से, जिसको जैसे समझ में आए, अस्यावसा लिखना है ऐसे, और बाएं हाथ की उंगली पे लिखना सी आ उ सा। राइट हैंड उखल बनाना उखल, और ये लेफ्ट हैंड लिखा हुआ जैसे उखल में मुसल होता है ऐसी मुद्रा। और ओम राम नवरंताणम पूर्व दिशाम, पूर्व दिशा में दिखाना। ओम ऋण सिद्धाणम आग्नेय दिशाम, ओम ऋण मायराणम दक्षिण दिशाम, ओम रुझायणम नैऋत्य दिशाम, ओम रामुसाणम पश्चिम दिशाम, ओम राम नवरंताणम वायव्य दिशाम, ओम ऋण सिद्धाणम उत्तर दिशाम, ओम ऋण ऐराणम ईशान दिशाम, ओम रुझायणम अधरम दिशा, ओम रानुसाण ऊर्ध दिशा दिग्बंधनम करोमिति स्वाहा। ये दिशा बंधन किया, पीले चावल लेना है,
लेफ्ट हैंड में पीले चावल आपके थाली में से लेना है थोड़े से। यहां पर सकलीकरण रूपी कवच हम पहन रहे हैं, सुरक्षा कवच जिसको बोलते हैं। युद्ध के लिए योद्धा जाता है तो सुरक्षा कवच पहनता है और ढाल लेता है, जिससे उसकी शत्रु के आक्रमण से सुरक्षा होती। उसी प्रकार यज्ञ करने वाला पूजक यज्ञ दीक्षा लेगा। अभी दीक्षा नहीं हुई आपकी, अभी दीक्षा होने वाली है, तो दीक्षा की तैयारी है सकलीकरण। तो सकलीकरण रूपी कवच पहन करके किसी का कोई भी आक्रमण हो तो हमारी सुरक्षा हो जाए। तो इसलिए 7 बार मंत्रित कर रहे, ओम नमृते सरुक्षम पट स्वा, पीले चावल मंत्रित कर रहे, ओम नमृत सरुक्षम पट स्वा, 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 ओम नमृत सरुक्षम पट स्वा। ये जो चावल मंत्रित है अपने स्वयं के मस्तक पर और अपने आसपास वालों के, ओम नमृत सरुक्षम पट स्वाहा। पीली सरसों है आपके थाली में दी हुई, वो लेना, अभी लेफ्ट हैंड में लेना और जलमंडल के जल से सीधे हाथ से मंत्रित करना है। ओम पटकिटम घाते घाते पिकनाथ पुटे पुटे सस्कंडम गुरु गुरु पर विद्याम चिंद परवंतम दंक्षम पट स्वा। ओम पटकिटम घाते घाते पिकनाथ पुटे पुटे सस्कंडम गुरु गुरु पर विद्याम चिंद परवंतम दंक्षम पट स्वा। ओम पटकिटम घाते घाते पिकनाथ पुटे पुटे सस्कंडम गुरु गुरु पर विद्याम चिंद परवंतम दंक्षम पट स्वा। ओम पटकिटम घाते घाते पिकनाथ पुटे पुटे सस्कंडम गुरु गुरु पर विद्याम चिंद परवंतम दंक्षम पट स्वा। ओम पटकिटम घाते घाते पिकनाथ पुटे पुटे सस्कंडम गुरु गुरु पर विद्याम चिंद परवंतम दंक्षम पट स्वा। ओम पटकिटम घाते घाते पिकनाथ पुटे पुटे सस्कंडम गुरु गुरु पर विद्याम चिंद परवंतम दंक्षम पट स्वा। ओम पटकिटम घाते घाते पिकनाथ पुटे पुटे सस्कंडम गुरु गुरु पर विद्याम चिंद परवंतम दंक्षम पट स्वा। इसको मंत्रित किए हुई सरसों थोड़ा पुष्प भी मिला लो और 6 बार इसको ओम राम नमरंतानम राम पूर्व दिशागत विघ्नान निवारे निवारे सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। और लेना ओम ऋणो सिद्धानम रीम दक्षिण दिशागत विघ्नान निवारे निवारे सर्वम क्षिक्ष होम फट स्वाहा। पश्चिम में ओम रूम नमारण रूम पश्चिम दिशागत विघ्नान निवारे निवारे सर्वम रक्षिक्ष होम फट स्वाहा। ओम ह्रौम नमो उज्जैन उत्तर दिशागत विघ्नान निवारे निवारे सर्वम क्षिक्ष होम फट स्वाहा। और जो बचा है उसमें आधा लेना। ओम ह्राण मूल सौ सर्व दीक्षु विघ्नान निवारे निवारे सर्वम क्षिक्ष होम फट स्वाहा। अभी जो बची है दोनों हाथ में लेके अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधना। ओम नमो भगवतो डुमान सर्ष चक्कम जलंतम गच्छि आयसम पयलम लुयाणम भुयाणम जय भावि भाति वा थमणे वा रांगणे वा रणांगणे वा मुहणे वा सर्वजु सत्ताण प्रायतो तुमे भवतु रख रख स्वाहा। सर्व विघ्नोपक्षमनार्थ सर्व दीक्षु क्षपेत। सारे विघ्नों का निवारण हो और सारे उपसर्गों से हमारी सुरक्षा हो। उद्घाटम पवर्धनस्य मुखवस्त्रम सौतरतिकारम्भे। अभी हम मंदिर में आए हैं हाथ धोए, लेकिन अभी गर्भगृह का दरवाजा हम खोलते हैं, तो इसलिए वदन वस्त्रम उद्घाटनम करोमिति स्वाहा। और गर्भगृह का दरवाजा खोला, शास्त्रों में लिखा है वस्त्र, पहले कपड़े के पर्दे रहते थे भगवान की वेदी के आगे, इसलिए शास्त्रों में, तो वदन वस्त्रम उद्घाटनम और भगवान का दर्शन करते हैं। आद्या भव सफलता ने न द्वेष्य देवम तुदे चरणाम जुक्षणे न अद्यत लुक्तम प्रतिभास्ते में संसार वार्ध्यम चुलुक प्रमाणम अद्य में क्षालितम गात्रम नेत्रे चुमले कुते त्वाम द्राक्षे तुदे वे तुम अक्षय संपदा अद्य संसार गंभीर पारावार सुदुस्तर सुतरेम क्षणे निर्जयंत दर्शनात् समस्त वस्तु प्रतिभात मुस्तुए जगत्रय अनकेत कृते जिनाय सर्वेस काम धेनवे नमस्त मुद्वस विधान भानवे देवादि देव परमेश्वर वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर सिद्ध महानुभाव त्रैलोक्यनाथ जिन पुंग वर्धमान स्वामीन गतोस्मि शरणम चरणम द्वयम् ते। प्रभु मैं आपके चरण की शरण में आया हूँ। क्यों आया हूँ? नाना भव प्रभु दुस्स घोर दुख संतान दुस्मृति पार गत्ते दुष्टम जिनेन्द्र वदनम बहुपूर्ण वर्ण उद्घाट यामे मुख वस्त्र मनेक वस्त्र। संसार के नाना दुखों से भयभीत होकर के आप संसार समुद्र को पार कराने के लिए नौका के समान है, इसलिए मैं आपके चरण की शरण में आया हूँ।
अथ कृतज्ञापना नमस्तु प्रसदंतु प्रभुपादा वंदिष्यमिष्यम इति जिनेन्द्र पूजा वंदनाम कुर्यात। अथ सामायिकम स्वीकारः, या सामायिक करना है। जयंत गुप्त को नमस्कार, तीर्थ भूत पादेभ्यो शुद्ध शुद्ध सामायिक देवम भव भ्रमण सुदनम साम्य सर्वभूतेषु वैरम ममन केनचित आशा सर्वा परित्यज्य समाधि महिमाश्रय। सभी जीवों से मेरा समता भाव है, किसी से भी वैर भाव नहीं है, और उत्तम समाधि मरण के आश्रय के लिए यह प्रतिष्ठा महोत्सव जिन यज्ञ महामहोत्सव करने के लिए मैं संकल्प करता हूँ। हाथ जोड़िए, अथ कृतज्ञापना नमोस्तु प्रभुपादा वंदे स्वयं एषम तावच्च सर्वसावधिर्तोस्मिति। सभी पापमय कृत्यों का त्याग करते हुए आज के प्रथम दिवस, आज ध्वजारोहण और यागमंडल का दिन है। प्रथम दिवस यागमंडल विधान पूजा वंदनाम पूर्वाचरणुक्रमण सकल कर्म क्षयार्थ भाव पूजा वंदनाथ स्मितम श्रीमद सिद्ध भक्ति चैत्य भक्ति सिद्ध भक्ति का आयुसर्गम करो मैं हम नव बार नमोकार सिद्ध भक्ति के लिए। अथ यज्ञ दीक्षा प्रारभ्यते, जिसे हम बोलते इंद्र प्रतिष्ठा यज्ञ दीक्षा, तो वह अभी यहाँ पर होनी है। देव शास्त्र और गुरु हमारा ये परम सौभाग्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव जिनके सानिध्य में हम यह महायज्ञ कर रहे, तो यहाँ पर यज्ञ दीक्षा हम उनके साक्ष्य में ले रहे, क्योंकि अभी गुरुदेव का आहार का समय था। वो मुझे पूछ के गए, बोले 9 बजे मेरा संघ आहार को उठने वाला है, तो हम उनके साक्ष्य में फिर बाद में जब वो हमको मिलेंगे तब आशीर्वाद ले लेना। तो यज्ञ दीक्षा हम ले रहे। नमो रंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरानम नमो उज्जानम नमो लोहिस्तावनम चत्तारि मंगलम अरंत मंगलम सिद्ध मंगलम साव मंगलम कलिपूर्ण मंगलम चत्तारि लुक्तम अरंत लुक्तम सिद्ध लुक्तम साव लुक्तम कलिपूर्ण लुक्तम चत्तारि शरण पूजामि अरंत शरण पूजामि सिद्ध शरण पूजामि साव शरण पूजामि कलिपूर्ण धूम शरण पूजामि अनादि सिद्ध मंत्र ध्रुव सर्व शांतिम कुरुकुरु स्वाहा। अनादि सिद्ध मंत्र की साक्षी में, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हम यज्ञ दीक्षा ले रहे। यज्ञ दीक्षा यह शब्द इसलिए है, 1 मिनट में समझाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इंद्र प्रतिष्ठा यह अधूरा शब्द है जो लोक व्यवहार में बोला जाता, गहराई में यज्ञ दीक्षा है। क्यों आप इंद्र बने हैं? सौधर्म ईशान सनत कुमार कोई भी, तो इंद्र तो भोजन करते नहीं, वो कंठ का अमृत झरता है। इंद्र व्यवस्था देखते नहीं, उनके आदेश से देवगण व्यवस्था करते हैं, उनके पास विक्रिया है उससे वो करते हैं। तो हम पूर्ण इंद्र नहीं है, समझ में आया? कोई माता पिता है तो माता पिता भगवान को डायरेक्ट जन्म नहीं दे रहे, वो भगवान की भक्ति कर रहे, माता पिता ये उनको बहुमान दिया है, कमेटी ने उनको क्या भाई इन्होंने अपनी सेवाएं माता पिता के समान दी महोत्सव। ऐसा हम किसको बोलते ना, ये तो मेरी माँ है, क्या बोलते उसको? धर्म माँ, धर्म पिता। माँ बोला तो सगी माँ, बहन बोला तो सगी बहन, लेकिन धर्म बहन बोला तो सगी नहीं है, उसकी कोख से हमने जन्म नहीं लिया है, धर्म माता है। सगी माता है उसको क्या बोलते? मेरी माँ है, लेकिन हम सबको बोलते माता है, तो सबने कोख से जन्म दिया है क्या? नहीं, धर्म से हमने उसको माता मानी, तो वैसे धर्म से वो माता पिता। तो इसलिए यज्ञ दीक्षा संक्षिप्त में यह है कि हमने यह यज्ञ करने की दीक्षा ली, तो यह मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी है कि हम इंद्र का भी रोल कर सकते, कुबेर का भी रोल कर सकते, फिर गृहस्थ का भी रोल कर सकते, फिर हमारे बाबूजी को तो बहुत रोल करने हैं, वो सिद्धायन के अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का भी रोल करना है,
कमेटी के अध्यक्ष है उसका भी रोल करना है, फिर सौधर्मेंद्र बने हैं उसका भी रोल करना है, इसलिए अभी थोड़ा बहुत आने जाने में लेट हो सकता है, ये आप सबको सहन करना है। वो नहीं करेंगे, ये पहला दिन है, उन्होंने बोल दिया है, तो इसलिए तो हम सब लोग जित फिर हमने महाराज के सानिध्य में हम कर रहे हैं, हम बोलेंगे मैं इंद्र हूं, तो इंद्रों के घर में साधु हार नहीं लेते, और इंद्र को कोई पड़गावे तो साधु लोग इंद्रों से पकड़ते नहीं। स्वर्गलोक में हार होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए ये मनुष्य पर्याय सी है, वो इंद्र का भी रोल करता, गृहस्थ का भी रोल करता और श्रावक का भी रोल करता है, और जो साक्षात सौधर्म है वो श्रावक का रोल नहीं कर सकता, वो चौका नहीं लगा सकता। कर सकता क्या? हो कुछ नहीं कर सकता, वो खाली पंच कल्याणक करता है, भगवान के कल्याणक, लेकिन वो गृहस्थ का रोल नहीं कर सकते। तिर्यंच है, वो गृहस्थ का रोल नहीं कर सकते, वो अणुव्रतों को धारण कर लेता लेकिन गृहस्थ का रोल नहीं कर सकते, और नारकी तो कोई रोल करते नहीं, वो किधर आते नहीं, समोसरण में उनका कोठा भी नहीं है। तो इस प्रकार मनुष्य पर्याय ऐसी है कि वो भगवान की भक्ति के लिए कई प्रकार के रोल, और इस प्रतिष्ठा में आपको कई प्रकार के रोल करना है। इसलिए आपकी कौन सी दीक्षा हुई? कोई बोले मेरी माता पिता की दीक्षा है, कोई बोले मेरे इंद्र की दीक्षा है, कोई बोले मेरे कुबेर की दीक्षा है, नहीं, आपको विशेष रूप से वो किया जाएगा, लेकिन कॉमन रूप से आपकी पूरी यज्ञ दीक्षा है। आप श्रावक का भी रोल करें, इंद्र का भी रोल करें, कुबेर का भी रोल करें, माता पिता का भी रोल करें, सब रोल आपको श्रावक गृहस्थ बन करके। तो इसलिए यहां पर यज्ञ दीक्षा में पहला नियम है, जिन्हें मतलब सूक्ष्म सुखम स्पर्श दक्षम क्षयित बांधवांत अलंकार मुख्यम, जिनेन्द्र भगवान के मत में ऐसा वस्त्र है कि जिससे शीत और उष्ण की बाधा नहीं हो, और संसार के समस्त अलंकारों में जैनाचार्यों ने सोना चांदी हीरा माणिक मोती से भी वस्त्र अलंकार श्रेष्ठ बनाया है। क्या बताया? वस्त्र सबसे श्रेष्ठ अलंकार, इससे श्रेष्ठ कोई अलंकार संसार में नहीं है। तो अपने वस्त्रों को हाथ लगाओ, जो कमेटी ने आपको वस्त्र दिए हैं, पूजा के वस्त्र पूजा में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के वस्त्र सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जाप के वस्त्र जाप में, हवन के वस्त्र हवन में, जुलूस के वस्त्र जुलूस में। अभी वो व्यवस्था सबको अपने अपने नियम के अनुसार अपनी अपनी करनी है, कमेटी ने आपको दे दिए, वो कहाँ रखना कैसे करना वो अपने को सेल्फ करना चाहिए। समझ में आया? लीजिए ये वस्त्र अभरणम करो। ओम रीम श्वेत वर्णे श्रद्रोहाणी सर्वजन परिधात्रम धारयामि शांतरुत्रम वस्त्राभरणम करोमि, पहला नियम। दूसरा नियम एंगेजमेंट, एंगेज हो गए तो दूसरा कॉल रिसीव नहीं होता है, तो अंगूठी को हाथ लगाओ। ओम ह्रीम पवित्र धारयामिति स्वाहा। अभी हम 5 दिन एंगेज है, किसके साथ? पंच कल्याणक महोत्सव के साथ। अभी दूसरा महोत्सव बीच में नहीं करना, तो यह हमारा पवित्र धारयामि, फिर उसके बाद तिलक, तिलक विधि में तिलक किया है चंदनानुलेपनम, जैसे ही आए हाथ धोया तिलक पहले करना चाहिए, उसके बाद श्रग धारणम माला। आपके पास माला दी है? दे दी है पंडित जी? हाँ, अभी नहीं पहुंची हो तो अभी आप देने आ सकते इधर। हाँ, माला लीजिए, अपनी अपनी खोलिए, यह यज्ञ दीक्षा हो रही है। हाँ, देव यज्ञ दीक्षा में माला कैसी है? माला पहनो, माला चेत चमत्कार करी जनाना गंदा दिनाना विदुषा विशेषा स्वर्भोग माला वह दिव्य शक्ता माला दे मूर्त जिनार्चिताम। ये चमत्कार में माना देवों की होती है, जब माला मुरझाने लग जाती है तो 6 महीना आयु शेष रहती, ऐसी स्वर्गों की व्यवस्था है। तो ऐसी माला मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त हो और मैं भगवान का यज्ञ कर सकूं, इस उद्देश्य को लेकर के श्रग धारणम करोमिति स्वाहा। उसके बाद जनेऊ, हमने जनेऊ सबको दिया है, जिसको नहीं मिला थाली में भी रखा है, तो जनेऊ को हाथ लगाइए। जलमंडल का जल 3 जगह चंदन लगाना। ओम ऋ सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम धारयामि स्वाहा। ये यज्ञोपवीत कुछ लोग नहीं पहनते, उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं, पहनते हैं बहुत अच्छी बात है, आपका पुण्य का उदय है। ये 5 दिन के लिए हम दे रहे, जिसको जीवन भर पहनना है पुण्य की बात है, जिनको पुण्य लेना बंद कर देना है वो अपना अपना विचार वो खुद करे। तो ये जनेऊ जैन होने का सूचक है कि हम जैन हैं और हम पूजा में इंद्र बन के बैठे हैं। उसके लिए इससे और ज्यादा कोई नियम नहीं है कि भाई हम जैन हैं। रत्नत्रय धर्म की हम आराधना करना है और हमें मोक्ष जाना है, इतना ही उसका नियम है। और जब शुद्धि करते हैं तो उसको कंधे पे या कान में या ऊपर उठा लेना है उसको। तो ओम ह्रीम रत्नत्रय श्रम यज्ञोपवीतम धारयामि स्वाहा। अभी आगे है मुकुट और कुंडल, लीजिए अपने अपने मुकुट। दो पंडित जी मुकुट दो, जिनको नहीं मिला उनको दो। अभी मुकुट और कुंडल, जिन्हें स्वराज्ञा भरवित विशिष्ट शिष्टार महार गुण रत्नम मुर्दा वये हम मुकुटम महांतम चंचत प्रभा मंडित कुंडलाभ्याम। ओम समय चरित्र स्व कुंडल विशिष्ट मुकुट धारियामि। मुकुट के लिए देखिए कैसा मंत्र है, सम्यक चारित्र। और अभी कंकण, कंकण बांध दिया है, जो बाकी है वो अपने अपने हाथ से बांध लेवे एक दूसरे को। कंकण पुरुष वर्ग राइट हैंड, महिलाएं लेफ्ट हैंड। आसन्न भव्य जिन भक्ति मुख्या गुणाय थायुकम पव्रजंती तथैव यस्मिन् मणियो महांता मरेत मैत कटगम करोमि। ओम ऋण समय ज्ञानाय नमः। कंकण बंधनम करोमिति स्वाहा। देखिए ले कंकण के लिए मंत्र क्या है, सम्यक ज्ञान। ऐसे तीनों रत्नत्रय के लिए अभी यहां पर बता रहे मुद्रिका जो हमने स्वीकार की अंगूठी, वो सम्यक दर्शन का प्रतीक है, क्योंकि हम एंगेज है, यह हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। उन्मिदता से विनय पद्म श्री केवल आर्कुपुरु शैलम एष्टु जिनम जीव दया समुद्रम मुद्रा दे चारु मनामिकायाम। सम्यक दर्शनाय नमः। मुद्रिका स्वीकार, हमने रत्नत्रय की मुद्रिका स्वीकार की है, यह हमारा श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धा नहीं है तो संसार में कुछ नहीं है। अभी इसके आगे का आभूषण है कटी सूत्र, लाल धागा होगा आपके थाली में, लाल धागा कमर में बांधना है, कटी सूत्र कमर पट्टा बोलते ना। अच्छा नहीं है तो आपका घर का जो पहना है उसी को हाथ लगा लो। ओम ह्रीम कटी सूत्र धारयामिति स्वाहा। इस प्रकार ये इंद्र के आभूषण हो गए, लेकिन आपने अभी दीक्षा देखी कि कपड़े भी उतार दिए, केशलोज भी कर दिया, लेकिन जब व्रत लिए तब दीक्षा पूरी होती है। तो अभी व्रतारोपण, तो आपको व्रत क्या क्या लेना है, तो यहां पर कंपलसरी व्रत है दुर्गबोध देश व्रत रूपक व्रतंत्र भवन वे कलितोपवासम आकर्मिका ब्रह्म निवृत्ति युक्तम साध्याध्यक्षा विधिना विशिष्टम। अनंत देव की प्रतिष्ठा होने तक रत्नत्रय का सूचक जनेऊ, देश व्रत का सूचक कंकण, और ब्रह्मचर्य का सूचक कमर में कटी सूत्र, यह धारण करना। और वस्त्र आपको अलग अलग समय के अलग अलग दिए हैं। उसके बाद श्रावक के व्रत पालन करते हुए नित्य पूजा अभिषेक जरूर करना। समझ में आया? नहीं तो भीड़ में क्या होता है, कुछ लोग अभिषेक पूजा में ड्रॉप कर देते, खाली नाटक देखने ही आते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने ही आते। तो जो इंद्र बने हैं तो अभिषेक पूजा जरूर करना, यदि इंद्र बने हैं तो। उसके बाद रात्रि भोजन का त्याग, ये भी कंपलसरी नियम रहेगा। दवा के अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जिसको जैसा नियम लेना है, जिसकी जैसी तबीयत है, वो आप अपने गुरु से कंसल्ट करना। और झूठा भोजन नहीं करना,
एक थाली में दोनों जन भोजन नहीं करना, या बच्चों के साथ या पति पत्नी, अलग अलग थाली में लेना है। खड़े खड़े बुफे नहीं करना, यह भी कंपल्सरी नियम विधिवत रहता है। अभी आपकी जो व्यवस्था है, आप हाथ जोड़ो, अपने मन से नियम लो और शक्ति के अनुसार उपवास, एक आसन, दो आसन, तीन आसन, कितने बार भोजन करना, कितने बार फलार लेना, कितने बार पानी पीना, वो आप अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हाथ जोड़ लीजिए। क्षौर कर्म नहीं करेंगे, हजामत की दुकान पे नाई के हाथ से दाढ़ी नहीं बनाएंगे और ब्यूटी पार्लर में भी ब्यूटी पार्लर में जाके नहीं, अपना घर का जो ब्यूटी पार्लर है शुद्ध घर का, नाई के दुकान में अपने हाथ से अपने ब्लेड से करना, दुकान के ब्लेड से दाढ़ी नहीं बनाना, अपने हाथ के ब्लेड से यदि बनानी है तो। और जो नहीं बनाए हुए 5 दिन तो अच्छी बात है, पर्यूषण में बनाते कहा है 10 दिन, हाँ व्रत उपवास करते तो। मेकअप भी उस सलून में जाकर के महिलाएं मेकअप नहीं करना है, आके अपनी यहाँ जो पंचकल्याण की मेकअप व्यवस्था है वो अपने हाथ से करना है, वो पार्लर में जाकर के नहीं करना, वो अशुद्ध होता है। इतना नियम कंपलसरी है, और किसी को ज्यादा नियम लेना है वो अपने मन से ले, वे कम लेना है वो अपने मन से ले ले। मैं मेरा राइट इतना ही है, और जिसको कुछ और कम ज्यादा है वो गुरुजी से कंसल्ट कर ले। तो लीजिए हाथ जोड़ो, अपना अपना नियम भगवान के सामने। रत्न त्रयांग स्मरस्थांगम देश कण मंत्र हस्ते ब्रह्म वृतांग मोदी कृत्वाक्षितो यम। इस प्रकार हे भगवान, हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मैं यज्ञ दीक्षा धारण करता हूँ, मेरी शक्ति के अनुसार मैं व्रत उपवास आदि जो भी है वो धारण करता हूँ, भगवान का अभिषेक पूजा नित्य करूंगा और रत्नत्रय का सूचक जनेऊ, देश व्रत का सूचक कंकण और ब्रह्मचर्य व्रत कंपलसरी उसका सूचक कटिसूत्र ये मैं धारण करता हूँ, दूसरे का झूठा भोजन नहीं करूंगा, अपनी थाली में भोजन करूंगा, क्षौर कर्म बाजार में नहीं करूंगा, अपने घर पे करूंगा, और भोजन व्यवस्था यह जो कमेटी की है इंद्रों के लिए और जैसे जैसे जो व्यवस्थाएं है वो व्यवस्थापक आपको बताएंगे, वही करूंगा ऐसा नियम। और जिसको अपने मन से जो नियम लेना है, ओम ह्रीम, ऐसे व्रतों को मैं ग्रहण करता हूँ और मैं इस यज्ञ में सम्मिलित होता हूँ यज्ञ दीक्षा लेके। ओम ह्रीम श्रोम वज्राधिपते इंद्राय सम्मोष्टयति यज्ञ दीक्षा धारणम करोमि स्वस्ति भद्रम भवतु स्वाहा। इस प्रकार हमने यज्ञ दीक्षा ली है और हम इंद्र बने हैं। अभी यहाँ पर भगवान का अभिषेक के लिए तीनों पीठ वाले मुख्य इंद्र पीठ के पास आ जाओ और अभिषेक की शुरुआत श्रीमद जिनेन्द्र वंद जगत त्रेशम सदवादन। और अपनी प्लेट का पानी नीचे फेंक दीजिए हाथ साफ करके, शुद्धि के लिए जो सकलीकरण का प्लेट और प्लेट खाली कर लीजिए। अपने अपने थाली में स्वस्तिक आदि ठोने में स्वस्तिक अभिषेक प्रस्तावनार्थ पुष्पांजलि क्षपेत। ओम राम रीम रूम पीठ प्रक्षालनम करोमिते स्वाहा। श्रीकार लेखम श्री शारद बोलो श्री शारदा स्मृति बीज वर्णम श्री मंगलिग्न नित्यम श्री मंगलेश विनाश विघ्नम श्रीकार वर्णितम जिन भद्रपीठे। बीच की वेदी सौधर्म इंद्र की है, उधर की वेदी किसकी रहेगी हमको बता दो, क्या व्यवस्था है, उधर की वेदी पे कौन रहेंगे और इधर की वेदी पे कौन, पंडित जी आपको मालूम हो तो। बीच की वेदी सौदर महेंद्र, उधर की हाँ बता दो कौन है। तीनों विधि के तीनों यजमान मुख्य रूप से वहां विधि करेंगे और फिर अभिषेक। आइए सौधर्मेंद्र यहीं पर रहेंगे, सौधर्मेंद्र यहाँ पर, माता पिता और कुबेर यहाँ पर आ जाओ, ईशान सनत कुमार महेंद्र यहाँ पर आ जाओ, यज्ञनायक यहाँ पर आ जाओ, चलो ईशान सनत कुमार महेंद्र तीन इंद्र यहाँ पर। जी पांच ही मुख्य है, पांच ही मुख्य है, एक या और दो दो वहा कौन कौन मुख्य है वो पूछ लो, कमेटी को पूछ लो, फिर क्या नहीं कोई नाराज हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कौन पांच मुख्य है बता दो हमको,
या सौदर में इंद्र उधर दो मुख्य कौन है? यज्ञनायक कुबेर। यज्ञनायक कुबेर दो हो गए, तीन हो गए अभी, और माता पिता। तीन कैसे यार, दो ही चाहिए ना। अच्छा दो यहाँ जा। हाँ पांच ही मुख्य बताया है हमको, और कुछ ज्यादा हो तो हमको बताओ, हमको जो जानकारी है। नहीं, आपने क्या कमिटमेंट किया है हमको क्या मालूम है। पहले पांच मुख्य जो, हाँ पंडित जी को मालूम है तो पंडित जी बताओ, पांच पहले बताओ। पांच कुबेर और यज्ञनायक दो गए, सौधर्मेंद्र है यहाँ पर, ईशान सनत कुमार। अच्छा माता पिता नहीं है? माता पिता भी हैं, आप कहाँ करेंगे? कुबेर भी नहीं है ना? कुबेर भी है, कुबेर यज्ञनायक वहां आ गए ना, कुबेर यज्ञनायक वहां आ गए। ओम ह्रीम क्लीम श्रीवर्णे प्रतिमा स्थापनम करोमिति स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीम इंद्रागच्छ इंद्राय, दस अर्घ थाली में चढ़ाओ पंडित जी। ओम आम क्रोम इंद्रागच्छ इंद्राय स्वाहा, अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम अग्नि चग्ने अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम यमाचयमाय अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम नर्तय नर्तय अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम वर्णचूर्णाय अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम पौनाज पौनाय अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम कुबेराज कुबेराय अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम शनाय अर्घम समर्पयामि। ओम आम क्रोम धने धने अर्घम समर्पयामि। सोमाय सोमाय अर्घम समर्पयामि स्वाहा। इंद्रादि दशलोक पाल के व्योदम अर्घ्यम पादम जलम दक्षतम पुष्पम चरुम दीपम धूपम फलम वलयम स्वस्तिकम एकभागम जामे प्रतिगृहीतम प्रतिताम ते अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। शांतिम शांति धारा। क्षेत्रपाल कारक भो क्षेत्रपाल जन्मपाल द्रष्टाकराजन शासनक्षपाल तैलादि जन्मगुण चंदन पुष्पदीपे भोगपति जगदीश काले। ओम आम क्रत्रसिद्ध जय भद्र जय भद्रमान प्राजित पंच क्षेत्रपाल अर्चनम करोमि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। शांतिम शांति धारा। पांच कलश। ओम रेम स्वस्तय कलश स्थापनम, कलशों में जल भरो। ओम राम रेम रोम रोम रा पद्म महापद्म केसरी पुनरिक महापुनरिक गंगा सिंधुर सरिधुरी कांता सीता सुधा नारी नरकांता सुणकुलार विकुलार रक्ता रक्तोदा क्षीरामुजम सुंडम क्षालितम नवरत्न कंदम जलाभिमंत्रणम करोमि स्वाहा। ओम रीम क्लीम श्रीवर्णे प्रतिमा स्थापनम करोमिति। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई तबल मंगल गान भवा कुल जिन ग्रहे जिन नाथ महंगल। ओम श्री जिन स्थापनम करोमि स्वाहा। अर्घम द्रवपामति स्वाहा। आइए एक कलश लीजिए पहले। लीजिए जलाभिषेक। जल लीजिए, पहला कलश लीजिए। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण चविघोषराग्रे प्रशभूत तापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टै भक्त्या जलै जिनपति बहुधा विसिंचै। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरम्भम हम सं तम 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 जम जम जीम जीम चीम ची प्राम प्राम द्रीम द्रीम त्राव त्राव। ओम नमो अरहते भगवते जिनाभिषेकं करोमिति स्वाहा। प्रथम कलश का अर्घ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम गण के प्रथम कलश अभिषेकम करोमिति मार्गम निर्वपामति स्वाहा। चार कोने के चार कलश लीजिएगा। चार इंद्र इष्टैमनोर सतैर बब्ब पुंशां पूर्ण सुवर्ण कलश निखिल वशान संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मपलावे त्रिभुवन के पति जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरम्भम हम हं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं त्रां त्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमद्भगवते चतुष्काल कलशाभिषेकं नमः स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचर सुदीप सुधूप फलार्घ धवल मंगल कांत नवा कुल जिन कहे जिन नाथ महं ये। ओम भगवन चतुष्कोण कलशाभिषेकं नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सुगंधित कलश लीजिएगा।
सुगंधित कलशा विसिंचा भी नमार्गम नर्वपांति स्वाहा। आइए जिन अभिषेक नहीं किया वे अभिषेक करें। कलशों से धारा बहाए, कलशों से धारा बहाए, नहा पे देखो त्रिभुवन स्वामी। कलशों से धारा बहाए, नहा पे देखो त्रिभुवन स्वामी। क्षीर सागर से इस कार्यक्रम के आयोजक थे सिद्धायतन परिवार, सिद्धायतन मंदिर परिसर, श्री समित शिखर जी रोड, मधुबन, पोस्ट शिखर जी, जिला गिरढ़ी, पिन कोड 825329, झारखंड।